हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कम ऑन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम को के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके पहले हम इस टॉपिक को ही समझ लेते हैं कि ये टॉपिक क्या कह रहा है। तो ये आपका वास्कुलर, वास्कुलर का मतलब होता है फ्लूड्स। तो फ्लूड्स के अंतर्गत आपका लिम्फ और ब्लड दोनों आता है, तो ये आपका वास्कुलर हो जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम यानी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल कम ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो होता है मनुष्य का, वो आपका क्लोज सिस्टम का उदाहरण है। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जो आपका ब्लड है वो कैपिलरीज के थ्रू आपके टिश्यू तक पहुँचता है, तो इसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। और ओपन में क्या होता है, ओपन में होता है जो आपका जो ब्लड है वो डायरेक्ट आपके अंगों तक पहुँच गया, मतलब डायरेक्ट टिश्यू तक पहुँच गया, तो जिसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। जो छोटे छोटे कीट मकोड़ों में होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं। तो हमारा जो उदाहरण है क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम यानी कि क्लोज सिस्टम का उदाहरण है। तो हो गया, अब हम देखते हैं कि यानी कि ब्लड के बारे में समझते हैं, ब्लड किसे कहते हैं। तो ब्लड जो है एक अपारदर्शी और टर्बिड मतलब गाढ़ा और स्टिकी फ्लूड्स है, स्टिकी कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, जो रेडिश कलर का होता है, लाल रंग का होता है, जो सर्कुलेट कहाँ करता है, हमारे ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है, आर्टरीज वेन में सर्कुलेट करता है, कैपिलरीज में सर्कुलेट करता है। किसके थ्रू, ये आपका जो सर्कुलेट करता है पंपिंग एक्टिविटी के कारण, हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी के कारण ये सर्कुलेट कर पाता है हमारा ब्लड। तो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, जिसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। स्टडी ऑफ ब्लड किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहेंगे, इस चीज़ का आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब हम देखते हैं जो ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, इट मींस ये स्लाइटली अल्काइली होता है। जो पीएच होता है 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जो 7 के अबव हो जाता है तो अल्काइली हो जाता है, 7 के बिलो हो जाता है तो एसिडिक हो जाता है। तो ये स्लाइटली अल्काइलिक है यानी 7.4 इसका पीएच है। क्वेश्चंस भी आता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है, तो 7.4 हमेशा याद रखें। तो ये आपका जो हो गया पीएच। अब हम देख लेते हैं कितना अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट होता है एक हेल्दी ह्यूमन। तो 5 से 5.5 लीटर तक आपका ब्लड प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। तब हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन को देखते हैं। तो ये हमारा होल ब्लड है, टोटल जो ब्लड है वो आपका होल ब्लड का है। इसमें देखते हैं कंपोजिशन क्या क्या है। तो इसमें प्लाज्मा जो है आपका जो पीला रंग का जो होता है गाढ़ा पदार्थ होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर आपका जो फ्लूड्स होता है, ये आपका प्लाज्मा होता है 55%। इसमें जो आपका 92% तक आपका जो है वाटर प्रेजेंट होता है, आपका प्रोटीन 8% यानी कि 6 to 7% आपका प्रेजेंट होता है, और अदर्स जो आपका 1% प्रेजेंट होता है। अब हम देख लेते हैं जो एलिमेंट जो है वो आपका रक्त कणिकाएं, जो आपका फॉर्म्ड एलिमेंट है 45% आपका प्रेजेंट होता है, जिसमें से इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी आपका 99.1% जो काफ़ी अबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है आरबीसी, और ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स जो है 0.9% आपका प्रेजेंट होता है। तो ये आपका टोटल मिला के आपका ब्लड बन जाता है। तो हमने देख लिया ब्लड का कंपोजिशन। अब हम देखते हैं प्लाज्मा, एक एक करके देखते हैं प्लाज्मा। तो सबसे पहले प्लाज्मा में देख लीजिए, ये आपका जो टोटल 55% था, तो ये 90 to 92% आपका प्लाज्मा में वाटर होता है। उसमें से प्रोटीन आपका 6 to 8% यानी कि 7% हो सकता है, तो 6 to 8% आपका होता है प्रोटीन। तो इसमें से प्रोटीन में आपका जो फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन होता है जो होता है वो मेजर प्रोटीन होता है। तो फाइब्रिनोजेन का क्या काम है, ये क्लॉटिंग यानी कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, और ग्लोबुलिन जो होता है यानी कि ये यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब रक्त का थक्का जमना होता है, तो इसमें आपका हेल्प करता है फाइब्रिनोजेन। और ग्लोबुलिन जो है आपका डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, और जो आपका एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है हमारे ब्लड का। तो बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन और कार्बनिक एसिड, या ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बहुत सारे जो है आपके मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। अब हम एक चीज़ को टर्म को समझ लेते हैं कि सीरम किसे कहते हैं। तो सीरम, ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि सीरम किसे कहते हैं, और दिमाग में बहुत सारा इसमें यानी कि कन्फ्यूज़न भी रहता है कि सीरम क्या है। तो सीरम जो है आपका यानी कि प्लाज्मा होता है जो विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर होता है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, तो इसे हम सीरम कहते हैं। तो एक लाइन में कह सकते हैं कि प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो ये आपका सीरम हो गया।
तो अब हम समझते हैं इरिथ्रोसाइट। हमने प्लाज्मा पूरा देख लिया, अब इरिथ्रोसाइट समझते हैं। ये आरबीसी, जो आरबीसी जो तो आपका आपका टोटल यानी कि रक्त कणिकाओं में 45% में 91% आपका आरबीसी था, यानी कि मोस्ट अबेंडेंट सेल्स होता है ब्लड का। तो आरबीसी किस कहाँ फॉर्म करता है, कहाँ बनता है? आपका रेड बोन मैरो में बनता है एडल्ट में, जो आपका रेड बोन मैरो में बनता है, और जो यानी कि फोटस में होता है तो आपका वो लीवर और किडनी में बनता है, किडनी से बनता है। तो ये आपका रेड बोन मैरो याद रखिएगा, ये एडल्ट में बनता है आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है। तो आरबीसी जो होता है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, जो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इसका जो शेप होता है बाई कॉनकेव होता है, तो यानी कि अवतल दर्पण यानी कि होता है, ऊपर से भी ये थोड़ा धंसा हुआ रहता है और नीचे से भी थोड़ा धंसा हुआ रहता है, तो ये आपका बाई कॉनकेव इन शेप होता है, और ये रेड कलर का होता है। अब ये रेड कलर का क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो रेड कलर के होने का कारण है हीमोग्लोबिन। हीमो मतलब हो जाता है आयरन, आपका ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, तो आयरन की यहाँ पर प्रेजेंट होती है प्लस प्रोटीन के प्रेजेंट होता है, तो आपका हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण इसका कलर जो होता है रेड होता है। तो ये आपका हीमोग्लोबिन हो गया, इसके प्रेजेंस के कारण ये आपका रेड होता है, जबकि WBC में एब्सेंस होता है तो वो रंगहीन होता है। तब हम देख लेते हैं जो आपका एक क्वेश्चन जो हमेशा अधिकतर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल्स में जो एक यानी कि हीमोग्लोबिन में 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन में कितने यानी कि 100 मिलीलीटर ब्लड में आपके कितने हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं? तो 100 मिलीलीटर ब्लड में आपके जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं 12 से 16 ग्राम आपके हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, 12 से 16 ग्राम्स जो 100 मिलीलीटर ब्लड में आपके प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चंस आया भी है बहुत बार, मेडिकल्स में भी आया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 100 मिलीलीटर में 12 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब हम देख लेते हैं जो इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो रेस्पिरेटरी गैसेस का ये ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे O2 या CO2, इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का ये ट्रांसपोर्ट करता है, कौन? हमारा जो ब्लड है वो, यानी आरबीसी है वो। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन होता है लाइफ स्पेन, 120 दिन तक ये जिंदा रहता है, उसके बाद ये मर जाता है। तो कहाँ मरता है, कहाँ डिस्ट्रॉय होता है? ये आपका स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। तो ये आपका स्प्लीन है, जिसे हम प्रिया भी कहते हैं हिंदी में। तो ये आपका स्प्लीन होता है, यहाँ स्प्लीन में जो है ब्लड स्टोर भी रहता है, जो काम यानी कि पढ़ने पे या काम वहाँ पे यूज़ किया जाता है उस चीज़ का ब्लड का। तो ये आपका इससे यानी कि एक लाइन में इसे कह सकते हैं कि स्प्लीन किसे कहते हैं, जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्वेश्चंस भी आता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं, तो ये स्प्लीन कहते हैं, तो आंसर उसका है। अब हम देख लेते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट जिसे हम WBC भी कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पसल्स या वाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। ये कलरलेस होता है क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है इसीलिए यह कलरलेस होता है। और ये न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और शॉर्ट लाइफ्ड होता है, इसकी जो लाइफ होती है शॉर्ट होती है। तो ये हमने हो गया ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स जो होता है वो दो तरह का होता है, एक ग्रैनुलोसाइट्स होता है, एक ए ग्रैनुलोसाइट्स होता है। ग्रैनुलोसाइट्स मतलब जिसमें ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, ए ग्रैनुलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये आपका हो गया दो टाइप के ल्यूकोसाइट्स। तो हम एक एक करके देख लेते हैं ग्रैनुलोसाइट्स में। तो सबसे पहले जो ग्रैनुलोसाइट्स में है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो संक्रमण से हमारा बचाव करता है, ये काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाता है। न्यूट्रोफिल्स जो हमारा जो संक्रमण यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी बढ़ाता है, क्योंकि ये जो फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। फैगोसाइटिक मतलब क्या हुआ, जो ये बैक्टीरिया को जो इनगल्फ कर लेता है, जिसके कारण इसे हम फैगोसाइटिक कहते हैं। तो ये फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, इसका फंक्शन यही होता है फैगोसाइटिक इन नेचर। तो ये हो गया न्यूट्रोफिल। जो न्यूट्रोफिल का जो साइज़ होता है 10 to 15 μm इसका डायमीटर होता है, और ये जो लगभग 60 to 70% आपका प्रेजेंट होता है हमारे यानी कि ल्यूकोसाइट्स में। तो इसमें से यानी कि हम देख लेते हैं जो ग्रैन्यूल्स यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंट है, जो काफ़ी फाइन यहाँ पे ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे होंगे, देखिए ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। और ये न्यूट्रोफिलिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये न्यूट्रोफिल्स है ना, ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है, इसलिए इसका जो स्टेन होता है, स्टेनिंग जो होता है वो न्यूट्रोफिलिक इन नेचर होता है। और इसका जो मेन चीज़ें जानने के लिए, जो इसका जो न्यूक्लियस कैसा होता है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है मल्टी लोब्ड होता है, यानी बहुत सारे लोब्ड होते हैं, उसमें से 2 से लेके 7 लोब्ड तक आपको इसमें मिल सकते हैं न्यूट्रोफिल में।
और इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये जो पूरे ग्रेन्युलोसाइट्स का यानी कि न्यूट्रोफिल, इसनोफिल और बेसोफिल, ये तीनों का आपका फॉर्मेशन हो रहा है बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका न्यूट्रोफिल हो गया। अब हम इस देख लेते हैं इसनोफिल, इसनोफिल को देख लेते हैं। इसका भी डायमीटर वही सेम है, 10 to 15 म्यू माइक्रोन का डायमीटर होता है, बट इसका जो परसेंटेज है यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स में 2 to 4% ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ल्यूकोसाइट्स में। और ये जो यानी इसका जो ग्रेन्यूल्स है काफ़ी अबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होते हैं हमारे एसिडोफिलिक यानी एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडोफिलिक इसका स्टेनिंग होता है। और इसका जो विशिष्ट पहचान क्या है इसका, बायलोब्ड, ये दो लोब्ड उसमें होता है इसमें, इसे हम इसनोफिल कहते हैं। ये बायलोब्ड होता है, इसका विशिष्ट पहचान यही है कि ये बायलोब्ड होता है। और ये एंटी हिस्टामिक होता है, यानी कि आपका जो एंटी हिस्टामिक होता है, जो हिस्टामिन को है वो आपको यानी कि उसके अगेंस्ट होता है, तो ये आपका एंटी हिस्टामिक होता है। हिस्टामिक जो इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी हेल्प करता है आपका हिस्टामिन, तो ये आपका हो गया एंटी हिस्टामिक नेचर होता है ये आपका स्नोफिल। अब हम देख लेते हैं बेसोफिल। तो बेसोफिल जो ल्यूकोसाइट्स का होता है, इसमें आपका जो परसेंटेज होता है उसका 0.5 to 2% तक आपका प्रेजेंट होता है ल्यूकोसाइट में ये बेसोफिल, यानी कि एक ग्रैनुलोसाइट्स में। तो इसका भी आपका डायमीटर वही सेम है, 10 to 15 μm होता है। और इसमें भी आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, देखिए यहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। और इसका जो आपका जो यानी कि सेफ्ट होता है, न्यूक्लियस का जो सेफ्ट होता है वो इरेगुलर होता है, या एस सेफ्ट आपको दिख जाएगा इसमें, यानी कि जो न्यूक्लियस है। और इसका भी फॉर्मेशन वही रेड बोन मैरो में ही हो रहा है। और ये जो है आपका बेसोफिल जो होता है एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में, ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है इसका एलर्जिक, यानी कि एलर्जिक इफेक्ट में ये इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एलर्जिक इफेक्ट को ये रोकता है, तो ये आपका बेसोफिल हो गया। तो ये अब हम देख लेते हैं एक ग्रैनुलोसाइट्स, एक ग्रैनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं है। तो ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं हल्के नीले रंग का कोशिकीय द्रव्य प्रेजेंट होता है, जिसमें आपके केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम मोनोसाइट्स को देख लेते हैं। तो मोनोसाइट्स का जो इसका जो यानी कि आपका डायमीटर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, 15 to 20 μm तक होता है उसका जो डायमीटर साइज़ होता है इसका। और ये जो आपके प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोसाइट में 2 to 8% आपके प्रेजेंट होते हैं, और इसमें ग्रेन्यूल्स आपके एब्सेंट हैं। और ये जो बेसोफिलिक इन नेचर होता है, और इसके जो किडनी, ये जो आपके जो इसके किडनी सेफ्ट, इसका आपका न्यूक्लियस होता है, रेनिफॉर्म्स इसके न्यूक्लियस होते हैं, किडनी सेफ्ट इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते भी हैं कि किडनी सेफ्ट किसका आपका न्यूक्लियस होता है, तो मोनोसाइट्स का है। अब हम देख लेते हैं आपका, ये भी आपका फैगोसाइटिक इन नेचर है। अब हम देख लेते हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट जो होता है इसका जो व्यास होता है, इसकी जो साइज़ होती है, इसका 5 to 15 μm होती है। और इसका जो परसेंटेज होता है ल्यूकोसाइट में 20 to 30% होता है, और इसमें भी आपके ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, और ये भी बेसोफिलिक इन नेचर होते हैं। और इसका जो आपका जो न्यूक्लियस होता है राउंड इन शेप्ड होता है, इसके गोल आपके यानी कि लिम्फोसाइट्स के होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस। और इसका जो फॉर्मेशन आपका होता है स्टेम सेल या लिम्फ नोड में आपका इसका फॉर्मेशन होता है। और इसका फंक्शन जो है एंटीबॉडीज़ की तरह ये काम करता है आपका लिम्फोसाइट, जैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो है आपके इसी लिम्फोसाइट से होते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं टी लिम्फोसाइट, और यहाँ पे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट आपका दिख रहा है, यही आपका लिम्फोसाइट है, ये एंटीबॉडीज इन नेचर होता है, इसका फंक्शन यही है। तो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में हम समझ लेते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये छोटी गोल और अंडाकार कोशिकाएं होती है, मतलब ओवल शेप्ड की होती है, राउंडेड शेप्ड की होती है, ये आपका प्लेटलेट्स है। तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, ये भी फॉर्मेशन बोन मैरो के स्पेशल सेल से हो रहा है। इस स्पेशल सेल को हम लोग कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, इसी से इसका प्रोडक्शन होता है प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स नॉर्मली जो आपके प्रेजेंट होते हैं 2,50,000 to 4,00,000 प्लेटलेट्स आपके प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। तो इसका जो महत्वपूर्ण यानी कि इसकी भूमिका क्या है, इसका रोल क्या है प्लेटलेट्स, तो ये जो है आपका रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कहीं क्षतिग्रस्त स्थान में कहीं कोई चोट लग गया जहाँ पे यह ब्लड बह रहा है, तो उस जगह पे वहाँ पे यानी प्लेटलेट एकत्रित हो जाते हैं, और प्लेटलेट जो है अपना यानी फैक्टर मुक्त करते रिलीज करते हैं, जिसके कारण आपका यानी ब्लड क्लॉटिंग हो पाता है। यदि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे बहुत यानी कि बहुत सारे जो ब्लड का वो एक्सेस यानी ब्लड का आपका यानी कि लॉस हो जाएगा, इसके कारण जो यानी आपका ये डिसऑर्डर भी है, डिजीज़ भी है, जिसको हम देखेंगे अभी आगे, जो आपको हर्ट इस टर्म को
टर्म को हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जो एनीमिया है, जिसे हम कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी का डिफिशियंसी हो जाता है जिसे हम एनीमिया कहते हैं। अब हम देख लेते हैं ल्यूकीमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ WBC, जो WBC एबनॉर्मल हो जाता है तो उसका ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाता है, यानी एबनॉर्मल WBC का यहाँ इंक्रीजमेंट हो जाता है, यानी कि डिफेक्टिव WBC का यहाँ इंक्रीजमेंट हो जाता है, जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं। तो ये आपका दो टर्म हो गया। अब हम देख लेते हैं ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया मतलब हो जाता है डिक्रीजमेंट ऑफ द WBC, और ल्यूकोसाइटोसिस मतलब हो जाता है राइज इन ल्यूकोसाइट्स, और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया मतलब हो जाता है डिक्रीज इन प्लेटलेट्स नंबर, एंड द थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब हो जाता है राइज इन प्लेटलेट इन काउंट इन नॉर्मल, जैसे नॉर्मल है तो उससे यानी कि राइज हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। तो ल्यूकोपीनिया हम देख रहे थे रिडक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट होने के कारण, जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो आपका डिक्रीज करने के कारण जो ब्लड का ज़्यादा लॉस हो जा रहा था, तो ये जो है आपका डिजीज़ हो गया। तो इसमें आपको एक टर्म समझ में आ ही रहा होगा कि पीनिया का मतलब है डिक्रीजमेंट, जहाँ पीनिया आ रहा है इसका मतलब वो डिक्रीजमेंट हो रहा है, और जो साइटोसिस आ रहा है यहाँ पर इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर राइज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर आपका राइज हो रहा है। तो ये आपका टर्म हो गया जिसको आपको याद रखना है। और ल्यूकीमिया जो हो जाता है आपका ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, इसमें एबनॉर्मल जो आपका WBC होता है उसका इंक्रीजमेंट हो जाता है, एबनॉर्मल यानी डिफेक्टिव जो WBC होता है उसका इसका आपका यानी कि इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो अब हम टोटल ओवरऑल देख लेते हैं, जो हमने पूरा वास्कुलर सिस्टम को देखा यानी ब्लड सिस्टम को देखा, तो ब्लड को देखते हैं अच्छे से। तो ब्लड का जो है हमारा होल ब्लड जो है डिवाइडेड होता है दो टर्म में, आपका प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट यानी रक्त कणिका में। तो आपका प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, और फॉर्म एलिमेंट जो आपका होता है 45% होता है। प्लाज्मा में आपका 90-92% आपका वाटर था, उसके बाद जो था अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट जो आपके प्रेजेंट थे प्लाज्मा में, और प्रोटीन में जो आपके मेजर थे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन जो आपका रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता था, फाइब्रिनोजन जो ग्लोबुलिन आपका ऑस्मोटिक जो आपका बैलेंस बनाए रखता था। तो ये सब जो है आपका यानी कि इसमें प्लाज्मा में हमने देखा था। उसके बाद हम देख लेते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट में, हमने प्लेटलेट्स को देखा था, इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी को देखा था जो 99% आपका आरबीसी प्रेजेंट था, पूरा अबंडेंट मात्रा में आपका आरबीसी प्रेजेंट होता है। और ल्यूकोसाइट्स जो होता है हमारा, उसमें दो टर्म आपका था, एक ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स में हमने न्यूट्रोफिल्स को देखा था, बेसोफिल्स को देखा था, इसनोफिल्स को देखा था। तो न्यूट्रोफिल्स जो फैगोसाइटिक इन नेचर था, जो हमारा एबंडेंट मात्रा में प्रेजेंट था, 60% to 70% यानी 62% लगभग प्रेजेंट था आपका। और ये जो आपका यानी कि ये मल्टी लोब्ड था, 2-7 लोब्ड आपका प्रेजेंट हो सकता था। इसनोफिल में आपका बायलोब्ड था, बेसोफिल में आपका इरेगुलर शेप्ड या एस शेप्ड आपका प्रेजेंट था न्यूक्लियस। ये मेन चीज़ यही समझने का कि न्यूक्लियस आपका क्या प्रेजेंट है। उसके बाद लिम्फोसाइट्स में आपके जो राउंड शेप आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और मोनोसाइट्स में आपका जो किडनी शेप्ड आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और सबसे बड़ा सेल आपका मोनोसाइट्स ही था। तो ये हमेशा क्वेश्चन आता भी है कि सबसे बड़ा सेल्स कौन सा होता है, तो आपका मोनोसाइट्स होता है, जिसका डायमीटर सबसे हाई था 15-20 μm तक। तो ये टोटल, और जो लिम्फोसाइट था वो एंटीबॉडीज़ के रूप में प्ले कर रहा था रोल हमारा, जो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट बना रहा था, इसका फॉर्मेशन थाइमस और लिम्फ नोड में हो रहा था। तो आज पूरा टोटल हमने होल ब्लड को देख लिया, टोटल वास्कुलर सिस्टम को देख लिया। अब हम अगला सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। कैसा लगा आज का सेक्शन हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।